नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको याद होगा सुशांत सिंह का केस, बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी किया था और महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से भिड़ गए थे। अब सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि सुशांत सिंह केस की जाँच सीबीआई कर रही है, लेकिन क्यों कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूँ, सुशांत सिंह केस से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर सीबीआई ने तो अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन खबर है कि सीबीआई ने अब इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सन्याल की मौत को लेकर कई सनसनीखेज दावे कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके दावे को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सुशांत और दिशा एक दूसरे को जानते थे। दिशा की हत्या के बाद सुशांत ने कहा था कि जिसने यह किया उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सुशांत की हत्या कर दी गई। अपने बंगले को बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी करने से नाराज मंत्री ने यह खुलासा किया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सन्याल की मौत को लेकर भी सनसनीखेज आरोप उन्होंने लगा दिया है। नारायण राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सन्याल की मौत पर भी को लेकर भी कई दावे किए हैं और उन्होंने कहा है कि दिशा सन्याल के आत्महत्या का मामला अब तक खत्म नहीं हुआ है, इस पर अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ? उसके बाद सुशांत सिंह ने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुशांत सिंह की हत्या कैसे कर दी गई? दिशा सलियान के मौत के बाद उस इमारत के कैमरा कैसे गायब हो गई? कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं जिसका जवाब न तो महाराष्ट्र सरकार के पास है और न ही महाराष्ट्र पुलिस के पास। तो फिर से एक बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला गरमाने लगा है। नारायण राणे ने कहा कि दिशा सलियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और उन्हें जो पता चला है कि जो डॉक्टर है उसे वो जानते भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें सब जानकारी है, सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ सावन नाम का एक शख्स रहता था, वो अचानक गायब कैसे हुआ? उसका दोस्त राय अब नहीं रहा या अभी मिल नहीं रहा है, कहाँ गायब है और ये कैसे हुआ? नारायण राणे ने दावा किया कि दिशा सालियान की बलात्कार के बाद हत्या हुई है। तो कई बड़े बड़े दावे उन्होंने कर दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर को लेकर। तो फिर सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आत्महत्या हुई थी। सीबीआई मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के क्रम में जो फिल्मी दुनिया में ड्रग्स का चलन है, बढ़ा है, उसका बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोजर हुआ है।